आपकी क्लास की स्ट्रेंथ इतनी ही है, बच्चे कम आए हैं आज, स्टूडेंट कम हो गए, एब्सेंट। एब्सेंट, घर पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, पेरेंट्स के साथ। चलो एनी हाउ करें काम स्टार्ट। नो मैम, है ना, नहीं करना स्टार्ट, थोड़ा सा तो कर लेते हैं। इजी इजी से टॉपिक है, अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए, मेरे डॉटर का फुल डे स्कूल लगा है, चिल्ड्रंस डे पर फुल 6 आवर्स स्कूल। फुल, तो ठीक है, कुछ तो है ना, कोई तो स्टूडेंट मिले जिनके बाकियों के भी स्कूल लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ, आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आई थिंक चैप्टर तो हो चुका है ना स्कूल में, कर लिया ना कवर अप, तो इसके अंदर आज हम पर्टिकुलरली बेटा दो टॉपिक्स पिक करने वाले हैं, एक तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड एक वेलेंसी। ठीक है, वेलेंसी का मतलब किस किस को पता है, जस्ट रेज योर हैंड्स, वेलेंसी क्या है। ओके, नाइन्थ बी में पता है, बाकी सेक्शंस में नाइन्थ ए एंड नाइन्थ सी। वेरी गुड, कितनी अच्छी डेफिनेशन लिखी है ना, कितना अच्छा बोल रहे हो। अगर इसको चेंज करके लिखना हो तो एक लाइन याद कर लिए ना बस, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके, और वो गेन और लूज क्यों करने पड़ते हैं बेटा, और टू बी स्टेबल ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। अब बोलो, हाँ जी, नाइन्थ ए नाइन्थ सी, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी। न्यूट्रल। न्यूट्रल, ओके बेटा, एटम, कोई भी एटम न्यूट्रल बिफोर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल नहीं रहा वो, अगर उसने गेन या लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन, देन इट विल नॉट बी अ न्यूट्रल एटम नाउ, राइट। तो कौन मुझे बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी। यस, बताइए। चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, ये किसने बताया हमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट, रदरफोर्ड ने, और वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं, हाँ चलो स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं, और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो। यस, नाइन्थ ए, एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम नाइन्थ ए, कोई ड्रॉबैक था ना रदरफोर्ड का, क्या ड्रॉबैक वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं फिक्स। था। नो, दिस इज नॉट द ड्रॉबैक। यस, ब्रीफली बता रही हूँ, रदरफोर्ड ने बाकी सब ठीक बताया, एवरीथिंग इज ओके विद रदरफोर्ड मॉडल, हम आज भी उसको फॉलो करते आ रहे हैं, एक चीज को बता नहीं पाया, मतलब उसने लिख दिया, बोल दिया, बट उसकी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। क्या प्रॉब्लम थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, लेट अस से दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, हमने पढ़ा दिस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट, एनीथिंग विच इज कॉन्टिन्यूअसली मूविंग विल रिड्यूस इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप अगर गोल 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 चक्कर काट रहे हो, घूम रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक स्टेज पर आकर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जीरो हो जाएगी,
रिड्यूस होती रहेगी एंड देन इट विल बिकम टू जीरो। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे, गोल गोल घूम रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी भी लूज होगी। एनर्जी लूज होगी तो इसका जो पाथ है मूवमेंट का वो शॉर्ट होता जाएगा एंड फाइनली वो न्यूक्लियस में आकर फॉल कर जाएगा। बट क्या ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स लाइक आर प्लैनेट्स कॉन्टिन्यूसली कीप मूविंग इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, राइट? तो वो तो न्यूक्लियस में कभी फॉल ही नहीं करते हैं। तो इस ड्रॉबैक, इसी को हम बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इज दिस क्लियर? तो यस इसकी एक्सप्लेनेशन किसने दी फिर? बहुत व्हाट बोहर सिंह, बहुत मॉडल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, एनीवन कैन टेल मी द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल? दैट इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट कॉल्ड अ शेल डिस्क्रीट शेल, ऑर्बिट। ठीक है? तो वो क्या कह रहे, जैसे हमारे प्लैनेट है, जैसे कि ये सन है, ठीक है, दिस इज द सन। तो प्लैनेट कैसे घूमते हैं, इसके अराउंड घूमते हैं, दीज आर द प्लैनेट्स, प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो कह रहे बोहर्स मॉडल क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज अ न्यूक्लियस लेट अस से, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। बट इस केस में हम ऑर्बिट नाम बोलकर इनको क्या बोलते हैं, शेल। शेल्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, शेल, शेल्स ठीक है जी, राइट? दिस यस क्लियर? चलिए, और क्या पॉस्टुलेट था इसका, लाइक प्लैनेट्स व्हाइल मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रेडिएट एनर्जी, ये अपनी एनर्जी लूज करते ही नहीं। समझ आई चीज, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है पर्टिकुलर पाथ में, इट विल नॉट लूज इट्स एनर्जी। अगर एनर्जी लूज नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहीं और मूव करेगा या अपने ही ऑर्बिट में मूव करता रहेगा फिर ये? अपने ही ऑर्बिट में मूव करता तो सिर्फ यही प्रॉब्लम थी यहां पर रदरफोर्ड में, वो नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन क्यों अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ठीक है? बट यहां बोहर्स मॉडल ने बोला इलेक्ट्रॉन विल नॉट लूज एनर्जी। ओके बेटा, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करेंगे देन दे कॉन्टिन्यूअसली कीप्स मूविंग इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट। इज दिस क्लियर? हायर क्लासेस में आप जाकर पढ़ोगे ये इलेक्ट्रॉन्स जंप भी करते हैं, अपने शेल को छोड़कर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले में भी आ जाएंगे, बट ऑन प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। इनको जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तब, अदरवाइज नहीं, ठीक है? इज दिस क्लियर? ये समझ आए? फर्स्ट टू पॉस्टुलेट्स आर क्लियर? नेक्स्ट वन इज वेरी इजी, कौन सा पॉस्टुलेट है इसका, क्या बताया इसने? हाँ जी, उसने इन शेल्स को नेम दिया, क्या नेम दिया, के ने इनको बोला दीज आर द एनर्जी लेवल्स, और इन शेल्स को क्या नेम दिया बेटा उसने, शेल आगे भी था सेवन शेल्स एम एम, ऐसे ओ भी है, ओ शेल भी है, पी पी शेल भी है, क्यू शेल भी है, ठीक है? बट हमने स्टडी कहां तक करना है बेटा, बस एल एम और कुछ केसेस में एन, ठीक है जी? इतना समझ आया? तो मैक्सिमम एनर्जी शेल्स कितने, एनर्जी लेवल्स कितने हैं हमारे पास, सेवन। इज दिस क्लियर? ठीक है, यहां पर कोई डाउट बेटा? बोहर्स मॉडल में, बोहर्स मॉडल का बेसिकली पर्पस क्या था, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करना एंड फर्दर उसने अपने कुछ पोस्टुलेट्स उसमें ऐड कर दिए, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते कैसे हैं? हाँ जी, वो कौन सा लॉ था जिसने ये बताया हाउ द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
विल अकर इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट? हाँ जी, कौन बताएगा? करमजोत सिंह, नाइन थी, प्रेजेंट हो बेटा, एब्सेंट, रमनदीप कौर, हाँ जी, विच रूल या विच लॉ टेल्स अस अबाउट द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पर्टिकुलर शेल? बोहर्स मॉडल नहीं है बेटा, बोहर्स बरी मॉडल, गुड, ठीक है, इट्स अ बोहर्स बरी मॉडल। ये एक पर्सन का नाम नहीं है, बोहर्स ऑलरेडी जो हमने साइंटिस्ट का नेम अभी पढ़ा वो, एंड बरी इज द अनदर साइंटिस्ट, यस बट बरी मॉडल, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए दैट कौन बताएगा? क्योंकि ये टॉपिक किए हुए हैं बेटा आपने, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम योर साइड, ठीक है। यस, एनीवन फ्रॉम द नाइन्थ सी, कौन मुझे फर्स्ट रूल बताएगा? अदरवाइज आई विल टेक द नेम, नाइन्थ बी, नाइन्थ सी, रवल सिंह, आइए बेटा। इसके बाद नवजोत सिंह फ्रॉम नाइन सी, गेट रेडी। यस हाँ जी बेटा, कैन यू प्लीज टेल मी द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स वरी मॉडल? के हाँ ठीक है, टू एन स्केयर, कुछ एक्सप्लेन तो करो, व्हाट इज दिस टू एन स्केयर, व्हाट इज एन हियर? मैम क्या है चलिए, सिंपल सा है ये तो, इसीलिए मैंने पीछे वाले मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया एन को, कि मुझे पूछना था व्हाट डू यू मीन बाय एन हियर, जस्ट रेज योर हैंड्स, किस किस को आते हैं इन एवरी सेक्शन? Raise your hands who know the number of, sorry, n का ओके, फ्यू स्टूडेंट्स, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स नोज द आंसर, व्हाट इज एन हियर? ओके, फ्रॉम नाइन्थ बी, नाइन्थ बी में से मतलब कोमलप्रीत, यस बेटा, व्हाट इज एन, यस व्हाट डू यू मीन बाय एन हियर? मैम ऑर्बिट पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑर्बिट? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है, नंबर ऑफ शेल बेसिकली। देखो ये हमारा लेटर से फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, बेटा गो बैक टू योर सीट बच्चे, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस, दिस इज आर के शेल, दिस इज एल, दिस इज एम। फॉर के शेल एन इक्वल्स टू वन, एल शेल के लिए एन इक्वल्स टू टू, ओ एन इक्वल्स टू थ्री। ड्रॉ ये ड्रॉ कीजिए बेटा जरा यहां से, ये मॉडल लिखिए जरा, बोहर्स वाली मॉडल, एंड स्टार्ट राइटिंग, डायग्राम बनाइए जरा। और गैस बच्चे डन, यस ओके, ठीक है। तो हेयर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। हाँ जी, किसको बुलाया था मैंने नाइन सी में से? नवजोत सिंह को, है ना, एब्सेंट एब्सेंट, ओके। साहिब, साहिब, साहिब साहिब फ्रॉम नाइन सी, नाउ ही इज इन 9 AM मैम ओके, नाइन्थ ए में है, ओके मैम, आई विल मेक अ करेक्शन, यस साहिब, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू एन स्क्वेयर?
पर्पस क्या है बेटा? बोलिए। ये तो इनफैक्ट आज का मेरा टॉपिक भी नहीं था बेटा, मेरे को था कि ये चीजें आती होंगी आपको। कोई बात नहीं, वो तो हम कर लेते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी बेटा, टू एन स्क्वेयर इज अ फॉर्मूला जो हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर शेल में, कि के शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कम, इन एल शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, एंड सो ऑन। ये टू एन स्क्वेयर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे। गो बैक टू योर सीट बेटा साहेब। फॉर सी, फॉर के शेल, के शेल के लिए क्या हो जाएगा? एन इक्वल्स टू वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इक्वल्स टू टू इंटू वन स्क्वेयर, इक्वल्स टू टू। इट मीन्स के शेल कैन टेक मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए मुझे सिमिलरली आप ये बताइए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एल शेल? कैलकुलेट कर लो, सबको नहीं आता है, कैलकुलेशंस कर लीजिए। फॉर एल शेल, एल शेल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? एन इक्वल्स टू टू, एंड ये बन जाएगा टू इंटू टू स्क्वेयर, विच विल बी एट। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट शेल, फॉर एम शेल, एन विल बी 18, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम करते जाएंगे। नेक्स्ट लेवल जो आ जाएगा फोर, उसमें 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर शेल में फिल करेंगे। जैसे ही के शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, हम नेक्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट कर देंगे। एटॉमिक नंबर्स किस किस को आते हैं? फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर्स, ओके, यस, नाइन्थ एनीवन फ्रॉम द 9A, 9C? फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर, 9th भी गुड, काफी स्टूडेंट्स को आते हैं, वेरी गुड, शाबाश। सारे पढ़ने वाले 9B में इकट्ठे हो गए, ओके, 9C में से भी हैंड रेज हुए अब तो, 9A में से, दैट्स वेरी गुड। बेटा जिनको नहीं आते, लर्न द एटॉमिक नंबर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 20 करने, आपको पहले 10 करो, फिर नेक्स्ट 10 कर लो एक थ्रो में। बेटा कीप योर हैंड्स डाउन द चेयर, इट्स ओके। एक बार में ऑल द 20 लर्न नहीं होंगे, मिक्स हो जाएंगे। 10 करो, फिर 10 करो, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर नहीं आते होंगे ना, आपके क्वेश्चंस ही नहीं होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता इस पेपर में यहां से, कि आपको पर्टिकुलर पूछ लेंगे व्हाट आर आइसोबार, व्हाट आर आइसोटॉप्स, मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेशन आती है, बट उसके साथ साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे अटैच होते हैं जहां पर आपको एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कंप्लीट वो क्वेश्चन तभी हो पाएगा, एटॉमिक नंबर्स लर्न होंगे। तो आई होप इन द नेक्स्ट क्लास आप सबको फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर्स लर्न हो। ठीक है, तो रैंडमली हम बात करेंगे। ठीक है, फिर ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। चलिए सेकंड क्या कहता है ये? सेकंड पॉस्टुलेट क्या है बोहर्स बरी मॉडल का? यस, 9A दिया जोशी, दिया जोशी, जपलीन, एनीवन प्रेजेंट? इसके बाद जपलीन विल गेट रेडी इफ शी इज प्रेजेंट। जपलीन, हाँ जी बेटा, व्हाट विल बी, व्हाट इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स वरी मॉडल? यस यस यस, एनीवन हु नोज द सेकेंड पोस्टुलेट फ्रॉम 9A? हाँ
नहीं। यस नाइन्थ बी, गो बैक टू योर सीट बेटा। नाइन्थ नहीं, मैंने सेकंड स्टूडेंट को बुलाया था, आपको आता बेटा आंसर? थ्री पॉस्टुलेट्स आर देयर, वन आई हैव डिस्कस्ड, व्हाट इज द सेकंड पॉस्टुलेट? नो, चलिए गो बैक टू योर सीट, कोई बात नहीं। नाइन्थ बी, हाँ जी, कौन किसको आता है आंसर, जस्ट टेल मी फास्ट। ये फर्स्ट रो में जो बॉय है बीच में, हाँ जी बेटा बताइए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन आउटर मोस्ट शेल इज 8। ओके, नहीं, आउटर मोस्ट शेल, ओके राइट, एंड व्हाट इज द थर्ड पोस्टुलेट, आई विल एक्सप्लेन बोथ। दैट अनलेस द इनर शेल इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स तो जब तक इनर शेल फिल नहीं हो जाएगा, लाइक अगर जब तक के शेल फिल नहीं हो जाएगा, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस के शेल इज नॉट फिल्ड, यू कांट स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल। तो आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन सी नहीं लग रही है? एक तो वो कह रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम, है ना, और एक तरफ कह रहे हैं कि जब तक इनर वाला शेल फिल नहीं हो जाएगा तो नेक्स्ट वाला आप फिल नहीं कर सकते। तो ये दो रूल्स क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, जो भी एलिमेंट का लास्ट शेल होगा विल बी 8। एंड नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि लास्ट शेल, हम नेक्स्ट शेल तब तक फिल नहीं कर सकते जब तक इनर शेल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अभी मैं हम आपको एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास है मैग्नीशियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, हु विल टेल मी? 12, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है बेटा, के एल एम एन ऐसे लिखना है। इज दिस क्लियर? मैं साथ साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझा रही हूं। के एल एम एन, नाउ के शेल की कैपेसिटी कितनी थी बेटा? शेल है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल कैन टेक मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, तो के शेल में हमने 2 डाल दिए, एल में 8 हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। एम में कितने जाएंगे अब? 2, एम की मुझे नीड नहीं है यहां पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितनी हुई इसकी, आप कैसे लिखोगे? 2 8 राइट? तो इन्हीं रीजंस की वजह से बेटा एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन, तो अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, पहले मैंने के शेल को पूरा फिल किया, के शेल की कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 डन। फिर मैंने एल शेल को फिल किया, एल शेल की कैपेसिटी थी 8 इलेक्ट्रॉन्स की। जब ये कंप्लीटली फिल हो चुका तब हम गए नेक्स्ट शेल में, एम शेल में। अब जब तक एम शेल की कैपेसिटी पूरी नहीं हो जाएगी हम एन शेल में नहीं जाएंगे, कुछ केसेस को छोड़कर, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी हम के एल एम वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इतना समझ आया बेटा? अब हम आते हैं बेटा, टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी का सबने एक मतलब बताया मुझे, इट इज द कंबाइनिंग ऑफ एटम, ठीक है, हम लिख लेते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, देखो बेटा, दो हर एक एलिमेंट या हर एक एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ये स्टेबल का मतलब क्या होता है? सपोज करो आप एग्जाम देने के लिए बैठे हो,
तो आप अपना चाहोगे मेरे पास पेन भी पूरे हो, प्रॉपर हो, मेरे पास अपनी पेंसिल हो, अपनी इरेजर हो, अपना स्केल हो, ताकि आपको किसी से कुछ लेना देना ना पड़े फिर, ठीक है? तो उस वक्त उस टाइम आप क्या हो गए हो, स्टेबल, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सपोज करो आप घर से आए और आप भूल गए, अरे आज तो साइंस का पेपर था और मेरे पास तो पेंसिल ही नहीं है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो व्हाट विल यू डू? आप बिफोर एग्जाम किसी से शेयर कर लोगे, या तेरे पास दो है मुझे एक दे दे, इरेजर है इरेजर मुझे दे दे, मेरे पास इरेजर एक्स्ट्रा है तू मेरी इरेजर ले ले और अपनी पेंसिल मुझे दे दे। अब दोनों स्टेबल हो चुके हो, पहले नहीं थे, पहले केस में एक के पास दो पेंसिल थी एंड ही और शी नीड्स वन, और आपके पास लेट अस से टू इरेजर्स थी एंड यू ऑल्सो नीड वन इरेजर। आपने अपनी इरेजर दे दी और उधर से पेंसिल आपने ले ली, नाउ यू बोथ आर स्टेबल। समझ आई बात? ऐसा ही कुछ रीजन होता है वेलेंसी का। वेलेंसी का मतलब, अब कितनी वेलेंसी क्या है कि कितनी उनको जरूरत है स्टेबिलिटी के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करें या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करें टू बिकम स्टेबल। हर एक एलिमेंट स्टेबल कब होगा? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट जो भी उसका आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल के शेल को छोड़कर, यहां हम बात करें एल शेल ऑनवर्ड, के का अलग केस बनता है वो मैं करवाती हूं अभी। हर एलिमेंट क्या चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। बेटा जहां समझ नहीं आएगा प्लीज टेल मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अगेन, ठीक है? ऑक्टेट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक उस एटम को हम स्टेबल नहीं बोलेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये मैग्नीशियम स्टेबल है? नहीं। तो ये आप, अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज कर देगा या गेन कर लेगा, जैसे अभी पेंसिल और इरेजर वाला केस था, या तो लूज कर दोगे दे दोगे या फिर किसी से ले लोगे, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ यहां पर। अच्छा एक एग्जांपल हम और लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। तो हम देखें इसके के एल और एम शेल में क्या है, हम पहले के में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, एल में 8 हो जाएंगे, 8 प्लस 2, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट फॉर द एम शेल? 7। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। इज क्लोरीन स्टेबल? नो, नो। क्यों स्टेबल नहीं है? 12-15 क्यों स्टेबल नहीं है बेटा ये? बिकॉज नीड वन इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल। इट लैक्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मैग्नीशियम, व्हाई मैग्नीशियम इज नॉट स्टेबल? इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट डजंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्टेट, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। अब एक चीज और, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एंड कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? वैलेंसी की डेफिनेशन लिख ली थी बेटा सबने? यहां पर ना ऐसे करके इसको लिखो, मीन्स आउटर मोस्ट शेल विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और ड्यूप्लेट फॉर के शेल। कुछ एलिमेंट होते हैं जिनके पास सिर्फ के शेल ही होता है, सिंगल शेल होगा उनके पास। ये लिखना बेटा आपने यहां से, वो डेफिनेशन तो सबको आती है, दिस इज बेसिकली नॉट द डेफिनेशन बट यू कैन से कि दिस इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन, ठीक है? लिख लीजिए, वर्कशीट्स हैं बेटा सबके पास? ओके।
चलिए, आई थिंक हो गया होगा सबका। डन क्या? चलिए, चलिए आगे। अब चलिए मुझे एक चीज बताइए, कुछ एक एटॉमिक नंबर लिखते हैं हम, जैसे कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3। आगे चलिए, सपोज करो आई हैव रिटन बोरोन एटॉमिक नंबर 5, आई हैव रिटन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6, आई हैव रिटन नियॉन एटॉमिक नंबर 10, ठीक है, आई हैव रिटन मैग्नीशियम हो गया था आपका, यू कैन राइट एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, यू कैन राइट सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एंड और क्या लिखें बताओ, सोडियम लिख लेते हैं, सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। चलिए, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सबने, आप अपने आप कर सकते हो, मैं बोर्ड पर लिख रही हूं, कोई अपने आप करना चाहता है विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड कैन डू, ठीक है। लिथियम के एल, फर्स्ट शेल में 2, एल में 1, बोरोन के एल 2 एंड 3, सम करके 5 आना चाहिए, ऑक्सीजन के एल 2 एंड, ये गलत लिख दिया एटॉमिक नंबर 8 होगा, 2 एंड 6, नियॉन 2 एंड 8, एल्यूमिनियम KLM 2 8 3, सल्फर KLM 2 8 6, सोडियम KLMN ठीक है 2 8 8 1। एक मिनट बेटा, मैम सोडियम का एक मिनट गलत बेटा जी, हाँ जी, एक मिनट। चलिए 2 8, हाँ जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर ठीक लिखा है मैंने, ठीक है, पक्का? चल 2 8 1, एक और लिखते हैं हम, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज, नाइनटीन यस 19, वेरी गुड, तो KLMN इट विल बी 2 8 8 1, ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाला केस, अभी ऊपर चलते हैं क्योंकि पहले हमने स्टेबिलिटी को समझना है और वैलेंसी को समझना है, अब सब कंसंट्रेट करेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है। नाउ इनमें से कोई एलिमेंट ऐसा है जो ऑलरेडी स्टेबल है, कौन सा है बेटा? यान क्यों स्टेबल है? दिस एलिमेंट इज ऑलरेडी टॉपर स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन थी बेटा? कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो नियॉन हैज ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप लास्ट शेल शेल, सो दैट इज व्हाई इट इज लीस्ट नोबल रिएक्टिव। लिख लो बेटा साथ में इसके, लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है? इट इज ऑलरेडी स्टेबल एंड इट विल नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, गैस इट विल नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलिए, लिथियम, लिथियम विल, और लिथियम क्या करेगा बेटा? लूज वन इलेक्ट्रॉन इट विल लूज, जिसको मैंने सर्कल किया इट मींस वहां पर लूज हो रहा है, और जिसको मैं अंडरलाइन करूंगी इट मींस वहां पर गेन हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या होगा बोरोन के केस में? लूज
अभी रीजन करेंगे। ऑक्सीजन के केस में गेन, ऑक्सीजन के केस में गेन, ठीक है। एल्यूमिनियम हाँ जी, आगे सल्फर के केस में गेन, सोडियम के केस में लूज, पोटेशियम के केस में लूज, ठीक है। चलिए एक क्लोरीन का केस लिखिए जरा, अभी लिखा था वैसे पीछे, एक बार लिख लीजिए दोबारा से 287। और एक मैग्नीशियम का भी कॉपी दोबारा से लिखिए, मैग्नीशियम 12, 282। हाँ जी, क्लोरीन विल गेन गेन एंड मैग्नीशियम विल, लूज अब कुछ ऑब्जर्व किया आपने? हाँ जी, क्या ऑब्जर्व किया? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन। एंड दोज हु हैव कॉमन इलेक्ट्रॉन्स इज 5, 6 और 7, दे विल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, लिथियम नाउ वन मोर थिंग यू विल लर्न, अभी रुक जाओ बेटा। लिथियम आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम लिथियम प्लस, इसको हम बोलते हैं लिथियम आयन। क्या बन चुका है ये? आयन आयन। ये क्या बन जाएगा? इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, आफ्टर लूजिंग इट विल बिकम बी थ्री प्लस। जितना लूज किया उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? तो इट विल बिकम ओ टू माइनस। जिनके ऊपर प्लस या माइनस साइन आ गया, इट मींस वो आयन्स बन चुके हैं। इट मींस उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज किए या फिर उन्होंने गेन किए, राइट? अब अगर मैं बोलूं, लेटर से मैं वापस आती हूँ बेटा स्क्रीन पे। मैंने बोला एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम +3, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? एल्युमिनियम +3 इज एन हाँ, आयन ये क्या है? न्यूट्रल एटम, ये है न्यूट्रल एटम, ये एक आयन है। और आयन आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा, दीज आर कॉल्ड चार्ज स्पीशीज। अब आपको थर्ड चैप्टर में जो आपने फॉर्मूलाज लर्न किए थे वैलेंसीज, याद है? Na+, Mg2+, वो कहाँ से आए, प्लस के साइन या माइनस के साइन? वो यहीं से आए जो हम टॉपिक कर रहे थे। ये लिख लो बेटा, ये भी नोट कर लो, स्टार बनाकर लिख लो, बॉक्स में डाल दो इसको साथ के साथ, ठीक है? कीप इट इन द बॉक्स। ये किसी भी क्वेश्चन के लिए आ सकता है, सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए नहीं, कुछ किसी के लिए भी आ सकता है। किन दोनों में डिफरेंस क्या है? एल्यूमिनियम ने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या गेन किए? यस, इट हैज +3 साइन, +3 साइंस मीन, +3 मीन्स लूज एल्यूमिनियम हैज लूज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। एल्यूमिनियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? और जब एल्यूमिनियम एक न्यूट्रल एटम था एट दैट टाइम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम हैज? 13। और एल्यूमिनियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 10। क्यों? क्योंकि इसने 3 लूज कर दिए, राइट? समझ आया बेटा, ये डिफरेंस क्लियर हुआ सब में? अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, ऑक्सीजन और ओ टू नेगेटिव में क्या डिफरेंस है? इनको ऑक्सीजन जरा सभी, देन वी विल स्टार्ट विद द वर्कशीट।
गेस व्हिच इज डन. यस वो ऑप्शन ऑक्सीजन मींस इट इज अ न्यूट्रल एटम. एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा इसके पास? एट एट. इलेक्ट्रॉन्स आर एट. ओ टू नेगेटिव मींस आयन ये एनायन बनेगा या केटायन बनेगा? सिखाया था केटायन. कैसे याद रखना है? पॉजिटिव आयन. तो ये क्या हुआ? ये तो नेगेटिव यस है. ये क्या है आपका? एनायन एनायन. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अब इसके पास? टू नेगेटिव मींस ऑक्सीजन हैज गेन्ड टू इलेक्ट्रॉन्स. पास कितने हो गए? 10. ठीक है. एक चीज और एड ऑन कीजिए जिनके ऊपर प्लस साइन होगा. ठीक है. आयंस विद पॉजिटिव साइन. आयंस विद पॉजिटिव साइन इनको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मेटल्स. ठीक है जी. एंड आयंस विद नेगेटिव साइन इनको ऑन हम क्या बोलेंगे? यस. इज दिस क्लियर? चलिए नाउ टेक आउट योर वर्कशीट्स क्विकली बिकॉज आई वी हैव हाफ एन आवर एंड हमें वर्कशीट पूरी करनी है. ठीक है बच्चे. एटलीस्ट फर्स्ट 12 क्वेश्चन. वर्कशीट नो वर्कशीट. टू वर्कशीट दो सेकंड वाली नहीं करनी बेटा आपने. जहां पर सब्जेक्टिव के अलग से लिखा हुआ ना गिव रिजल्ट इन यस फॉलोइंग दैट वर्कशीट वी विल कंप्लीट. ओके चलिए नाउ क्विकली गिव मी द आंसर. ये हो गया बेटा. ये सबने नोट कर लिया? फर्स्ट कंप्लीट दिस बेटा. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम्स. अब वो क्या कह रहे हैं? यहां पर एल्यूमिनियम प्लस 3 और ओ टू नेगेटिव आर मोर स्टेबल. क्यों? बिकॉज़ लिखो रीजन लिखो जरा सभी. कौन बता रहा है मुझे आंसर? आ जाइए माइक के पास. यस एनी वन फ्रॉम 9th B लास्ट रो. हाँ जी अनमोल प्रीत 9th P. बोलिए बेटा आंसर. द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम इज फिल्ड यस आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन इज कंप्लीटली फिल्ड दैट इज वाई दे आर मोर स्टेबल देन एटम. लिखो जरा. आउटर मोस्ट शेल या ऑक्टेट आप कुछ भी लिख सकते हो. लिखे जरा द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कंप्लीटली फिल्ड इट्स कंप्लीटली फिल्ड एंड दैट इज वाई दे आर मोर स्टेबल. बड़ी ठीक है बच्चे. बी पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बेटा. नोबल गैसेस वाला जो नियॉन के साथ मैंने आपको रीजन लिखवाया था. यस ठीक है. चलिए थर्ड पार्ट. एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है दैट इट डजेंट हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट. ये वाला अबे
इस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है इन दोनों के ऊपर? रीजन लिखिए, बिकॉज दे डू नॉट हैव लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दे डू नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। लव यस, कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, क्वेश्चन नंबर टू को एक बार लीव कर दीजिए। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम, के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम? टेन। ये भी फुल और ये भी फुल लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लेना, के और एल 2, 8, इलेक्ट्रॉन्स आर 10। ठीक है, डन बच्चा। जस्ट ओके रेज योर हैंड्स बेटा, जिस जिसका हो जाता है ना हैंड रेज कर दिया करो एक बार। चलिए, यस 9C फ्रंट रो, किसी का नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम? ये अभी हम सारे कुछ करके हटे हैं, क्लोरीन का, सल्फर का, सिलिकॉन का नहीं लिखा हमने, फास्फोरस। चलिए, जिसका रह गया वो कंप्लीट करो। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर इज 14 बेटा। एटॉमिक नंबर्स आर मस्ट, एटॉमिक नंबर्स लर्न करो बेटा, उसके बिना नहीं चलेगा ये चैप्टर। ठीक है, 14, फास्फोरस इज 15। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए जरा, के एल एम 2, 8, 4। इसी तरीके से करना है ये क्वेश्चन आपको, जब ये पूछा जाएगा ना वैलेंसी को बताओ कितने, आप उसका एटॉमिक नंबर लिख दोगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स, कि के शेल में कितने हैं, एल में कितने, एम में कितने। नाउ अब आप लिखोगे, सिलिकॉन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑर्बिट, कंप्लीट द ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। ठीक है, इसका बेटा एक्चुअली है ना सिलिकॉन है, कार्बन है, ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। आज डिस्कस नहीं कर रही, लेटर ऑन आई विल डिस्कस कि शेयरिंग क्या चीज होती है, अभी हम लूज और गेन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो 4 इसकी वैलेंसी रहेगी। फॉस्फोरस 2, 8, 5। हाँ अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको? थ्री। इट विल गेन और लूज, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और विल गेन, ये करेगा फॉस्फोरस गेन 3 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? जो गेन करते हैं माइनस के साथ, जो लूज करेंगे प्लस के साथ। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम देख लेते हैं, बाकी सब हमने कर लिया। कैल्शियम इज Ca, एटॉमिक नंबर इज 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो फर्स्ट शेल में इसके 2 होंगे बेटा, देन 8 होंगे, देन 8 होंगे, एक एन शेल लिख लीजिए, एन शेल में आएगा 2, सॉरी। तो कैल्शियम में लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, लॉस लूज ठीक है, कैल्शियम लूज इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंसी कितनी आ गई इसकी? प्लस प्लस 2। ये किस किस को क्लियर हो गया बेटा आप कॉन्सेप्ट अच्छे से? ये कैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एक सॉल्व कर लोगे इसको। वेरी, सो मेनी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा, इफ जेड इज इक्वल टू 3, ये कंप्लीट कर लो बेटा जिसने लिखना है, जल्दी से। चलिए डन बच्चे, रेज योर हैंड्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ जेड इज इक्वल्स टू 3, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट?
ऑल्सो नेम्ड एलिमेंट. जेड मतलब, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, कि एलिमेंट एटॉमिक नंबर हमें कितना है? थ्री. लिथियम, किसका होता है एटॉमिक नंबर थ्री? वेरी गुड. और वैलेंसी क्या बनेगी बेटा? टू एंड वन. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? वन. लिखो जरा जेड की डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए बेटा पहले. दैट इज इक्वल्स टू थ्री. ए एंड एल शेल में टू एंड वन इलेक्ट्रॉन. अब इसके बाद लिखिए द वैलेंसी ऑफ जेड विल बी वन प्लस वन. यू कैन राइट, यू कैन राइट प्लस वन. नाइन्थ ए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो गर्ल्स, बेटा क्या है पीछे? क्या है? नेम द एलिमेंट लिथियम. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स बेटा. द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ फोर एलिमेंट ए बी सी डी. ठीक प्रोटॉन्स पता है, न्यूट्रॉन्स पता है, इलेक्ट्रॉन्स पता है. गिव द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट बी. एलिमेंट बी बेटा मुझे एक चीज बताइए. आउट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ बी? इनमें से कौन मुझे एक्सप्लेन करे कि एटॉमिक नंबर क्या होगा? तीनों के नंबर 16 है, बट मुझे एटॉमिक नंबर इसमें से प्रोटॉन्स के थ्रू पता लग रहा है, न्यूट्रॉन्स के थ्रू और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू. न्यूट्रॉन्स यस, ऑन ही सुना है बस मुझे, उसकी पहले नहीं सुना कौन सा ऑन है. इलेक्ट्रॉन्स. एनीवन एल्स विद द सेम आंसर और डिफरेंट आंसर कोई देना चाहता है? जी. अच्छा मुझे ये बताइए, डी पार्ट में, डी पार्ट में बताइए जरा, ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कौन मुझे एटॉमिक नंबर बता रहा है? ऑल दो बेटा आपके डेटा में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आर सेम, बट मुझे एटॉमिक नंबर किससे पता चलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से. ये करेंगे बेटा, ये टॉपिक आज का नहीं था. प्रोटॉन्स हमें बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का कितना है. इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताते. तो बी की डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए. बी के एटॉमिक नंबर कितना है? 16. जी आप यहां लिख भी लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के 16. तो के एल एम शेल में कितने आएंगे? 2, 8, 6. राइट. द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए बी पार्ट, ए की वैलेंसी मुझे चाहिए एटॉमिक नंबर. ए का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नहीं नंबर इज 9. चलिए डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए जरा जल्दी से. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डू इट फास्ट. ए टू एट, वो तो 10 हो गए. सेवन यस, टू एंड सेवन. मुझे तो टोटल करके 9 बनाना है, कंप्लीट करके 9 बनाना है. ठीक है, इट विल बी 2, 7. ओके मैम. चलिए सेवेंथ क्वेश्चन. ए बी एंड सी आर थ्री मेटल्स विद एटॉमिक नंबर. अच्छा ये थ्री मेटल्स बोला गया, अब ये मेटल्स के साथ प्लस साइन होगा या माइनस का साइन होगा बताइए? प्लस. वेरी गुड. मेटल्स विल हैव पॉजिटिव साइन. क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ए बी एंड सी आर थ्री मेटल्स विद एटॉमिक नंबर 4, 11 एंड 13. द एटॉमिक नंबर इज 4, बी का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड सी का एटॉमिक नंबर इज 13. अरेंज द मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैलेंसी. मतलब पहले मुझे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी पड़ेगी तीनों की. तो यहां पर बताइए, टू एंड टू, राइट?
बी की डिस्ट्रीब्यूशन यस फास्ट। कौन बताएगा मुझे? अवनीत कौर फ्रॉम 9th B। यस इज शी प्रेजेंट? इशिता, इशिता ये कौन सा खड़ा हुआ है? अच्छा पढ़े प्रेजेंट हो बेटा, फिर इज बता दो। प्रेजेंट ओके ओके बी की डिस्ट्रीब्यूशन बताइए बेटा जल्दी से। मैम, इट विल लूज वन एंड वन पॉजिटिव. आई एम आस्किंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। टू मैम, 2 × 8, 1. 8 1 ठीक है। एंड व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी? 2 8 3. 2 8 3 ठीक है। सो वैलेंसी बैठ जाइए बेटा। गुड वैलेंसी यस। नेक्स्ट स्टूडेंट इशिता फ्रॉम 9th B। माइक पकड़ा दो बेटा पीछे। यस बेटा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ए? फास्ट फास्ट मैम, 2. टू। ओके वैलेंसी ऑफ बी? 1. 1। वैलेंसी ऑफ थ्री? वैलेंसी ऑफ सी सॉरी मैं 3 बोल रही हूँ। वैलेंसी ऑफ सी 3. 3। ओके नाउ कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैलेंसी? बैठ जाइए बेटा इशिता। गुड वेरी गुड यस। फ्रॉम 9th C जसलीन। हाँ जी बेटा अरेंज कीजिए जरा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैलेंसी। सबसे पहले किसको लिखूं मैं? सी अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ये कैसे आ जाएगा सबसे पहले? यही निकल क्वेश्चन खत्म होती है बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग मतलब पहले सबसे स्मॉल देन उससे बिग एंड देन उससे बड़ा। सी बी ए सी ठीक है जी। बैठ जाइए बेटा। गुड क्लियर हुआ बेटा सबको क्वेश्चन? तो वैलेंसी ऐसे नहीं आने वाला आपको क्वेश्चन। डिफाइन वैलेंसी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे अभी हम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से मुझे करके बताइए एवरीवन देन आई टास्क फ्रॉम समवन। क्वेश्चन नंबर 8 डू इट फास्ट। Find the number of electrons present in the atom of element X. Electronic configuration of an element X is 7th पे है मैम। 8th पे मैम इनको ना रोक रही है ना क्लास के बाद से मैम Yes. को। Number of electrons present in the element X. I'm done, done. ओके बेटा एवरीवन हैज कंप्लीटेड। ओके देन सुप्रीत कौर फ्रॉम 9th A। कार्तिक राणा वेरी गुड। कोमलप्रीत कौर प्रेजेंट. आ जाइए। कौन है बेटा कोमलप्रीत? रेज योर हैंड। आ जाओ बेटा माइक के पास आ जाओ एंड टेल मी ऑल द आंसर्स। मैम, फर्स्ट का 12. फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके 12 गुड। मैम, सेकंड का भी 12. ओके गुड। थर्ड का है मेटल, व्हाइट इज अ मेटल। बिकॉज इट हैव पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। व्हाइट हैज पॉजिटिव साइन। बिकॉज इट लूज वन इलेक्ट्रॉन. टू वन इलेक्ट्रॉन टू टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके व्हाट विल डी का आंसर? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ डी? टू ओके दैट्स गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड फास्ट।
हाँ जी बेटा, बातें मत करो, जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करो। डन। वेरी गुड। चलिए बेटा, नाइन सी तरुण। हाँ जी बेटी, क्वेश्चन हो गया, पहले तो ये बताइए नाइन्थ क्वेश्चन। हाँ जी यस चलिए, फिर आंसर्स बताइए मुझे। राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैम, K2 L8 M7 वेरी सेवन। हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स?1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 7 7 सेवन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वैलेंसी, राइट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सी, फर्स्ट शेल में कितने हैं बेटा? टू इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ये डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, ठीक है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन है ना, एंड इट नीड वन इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? वो सेवन शेल, ठीक है? सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेवन इलेक्ट्रॉन्स आर सेवन, एंड वैलेंसी इज वन माइनस वन, ठीक है? वैसे माइनस का और प्लस का सिर्फ पर्पस इतना होता है कि हमें ये पता लग जाए इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ या गेन हुआ, अदरवाइज प्लस या माइनस का यूज नहीं करना है हमने, ठीक है? चलिए हां जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट का आंसर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ये मैंने बता ही दिया। इट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल? नॉन मेटल ओके, और नॉन मेटल क्यों है बेटा ये? बिकॉज इट अगेन इलेक्ट्रॉन्स इट गेन इलेक्ट्रॉन, जिसने गेन किया वो नॉन मेटल हो गई, जिसने लूज किया वो मेटल। द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज वन एंड नॉट सेवन, गिव रीजन। हाँ जी चलो, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीजिए बेटा के एल एम में, टू एट वन, राइट? अब वो कह रहे हैं कि इसकी वैलेंसी सेवन क्यों नहीं है, ये सेवन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ना लूज करे। गो बैक टू सीट बेटा तरुण। हाँ जी, इसकी वैलेंसी वन क्यों है? व्हाई इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, नॉट गेनिंग सेवन इलेक्ट्रॉन्स? एनी वन फ्रॉम एनी सेक्शन कैन गिव द आंसर? मैम बिकॉज इट इज इजी फॉर सोडियम टू लूज वन इलेक्ट्रॉन टू गेन वन इलेक्ट्रॉन गुड, ठीक है? जिसको जो कन्वीनियंट होगा, जिसको लूज करना कन्वीनियंट होगा वो लूज करेगा, जिसको गेन करना कन्वीनियंट है वो गेन करेगा। यहां पर इश्यू आता है एटम के साइज का, ये बाद में कॉन्सेप्ट आएगा बेटा आपके। एटम का साइज कैसा है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली लूज या गेन होते हैं, ठीक है? तो सोडियम हेयर विल लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड नॉट गेन सेवन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी इसलिए वन है। लिख लीजिए जिसको नहीं आता आंसर, अदर सभी लिख लीजिए, बिकॉज सोडियम इज नॉट एबल टू गेन सेवन इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन गेन, इट कैन लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वैलेंसी इज प्लस वन। हाँ
चलिए क्वेश्चन नंबर 10th बेटा, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज टू इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल। देखो बेटा, एम शेल तक हम कब आए होंगे, जब उसके एल और के शेल ऑलरेडी फुल हो गए होंगे। हमने ये रूल पढ़ा है, एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स तभी स्टार्ट होंगे फिल होना जब उससे पहले वाले शेल कंप्लीटली फिल होंगे। क्या हम एम शेल तक आ सकते हैं अदरवाइज? मैं के शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ना डालूं, एल में कोई इलेक्ट्रॉन ना डालूं, सीधा एम में टू डाल दूं, इज इट पॉसिबल? नो। इट मींस के शेल ने पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, एल शेल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल, देन टू। अब आपका क्वेश्चन डन है, अब आगे आप रीड कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर बताइए। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये पार्ट लीव कर दो, ये अभी हमने किया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला हमने किया नहीं, इस पार्ट को अभी लीव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11th बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th। मास नंबर ऑफ एन एटम एक्सक्लूड्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपने मॉडल्स में पढ़ा होगा, जो आपने पहले मॉडल्स किए ना, रदरफोर्ड मॉडल, वहां पर कहीं इसका आंसर था। एनीवन? मैम टाइम टाइम हो गया? क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन करो। बस ये लास्ट है, ठीक है, उसके बाद नहीं देखा। बाय। चलिए ठीक है, कोई अच्छा बात बेटे, नहीं। 2 मिनट रुको, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट बैठो, क्वेश्चन बाद में कर लेना, बैठ जाओ। 8th B, सिट डाउन प्लीज। 9th अच्छा 9th, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा चलो, एक तो ये क्वेश्चंस करके आना बेटा,